सो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। और आज हम लोग आए हुए हैं कार मॉड रानीबाग। बहुत दिनों से आप लोग रात वाला ही मोड देखते हो, रात वाली वीडियो देखते हो, लेकिन आज दिन की वीडियो कैसे भाई? सर अपनी गाड़ी, जो अपनी कितनी गाड़ी फेमस थी जो आपने बनाई थी, उसी गाड़ी की मॉडिफिकेशन के लिए दिन के लिए बना रहे हैं। और भाई एक कस्टमर इनकी गाड़ी का इतना दीवाना था कि उसको एक यहाँ पर फरारी का लगा था। कौन सा लगा था? फरारी का लोगो था, उतार दिया वो फरारी का लोगो, उन्होंने उतरवा लिया। वो कहते हैं अंदर का भी सामान होता है। मैं तुम्हें चीज दिखाता हूँ भाई, इंटीरियर के ना जो मेन प्लास्टिक के पार्ट नहीं होते कस्टमर, ये देखो भाई ये निकाल दिया, सीट भी ले गए सर, ट्विटर के शीशे भी निकाल दिया, सीट पूरी चेंज है। आप देख नहीं पहले कौन सी एडजस्टेबल वाली सीट थी? तो तुम तो गाड़ी बेचने वाले थे, फिर तुमने सबको सामान ही बेचना शुरू कर दिया अंदर का। सर ऐसा होता है कि जैसे रात को गाड़ी आए थे इमरजेंसी में, कभी कुछ सामान नहीं उस वक्त अवेलेबल होता, तो कस्टमर को बता के कर दे कि सर ये है, ये वैसे पंजाबी गाड़ी आई थी, वो सारा सामान उतरा के ले गए। तो भाई वो पंजाब से अगर वीडियो को देख रहे होंगे तो आई गेस उनको समझ आ गया होगा। आज का क्या नया सौदा लेके आए हो? आज सर गाड़ी जो अपनी न्यू डिमांड में जैसे आने वाली गाड़ी फ्यूचरिस्टिक। अच्छा जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, 2023 में आप लोगों की मारुति स्विफ्ट न्यू शेप के साथ आने वाली, यानी कि आपकी स्पोर्ट्स किट के साथ। मोस्ट प्रोबेबली हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि वो आ जाए, क्या नाम है, स्विफ्ट स्पोर्ट आ जाए, लेकिन स्पोर्ट नहीं आ रही है शायद से, केवल ये लोग लुक चेंज करके ला रहे हैं। फर्क नहीं आ रहा, बस एक आपका थोड़ा लुक टॉप मॉडल में ZX प्लस में स्पोर्ट्स किट आ जाएगा। तो भाई अभी स्टॉक में क्या देखने को मिलता है? ऐसी बात नहीं है, स्टॉक भी बढ़िया लगती है, इन्होंने अच्छी बना रखी है, ग्रिल विल चेंज करके पूरा फ्रंट का जो है आप लोगों का आउटलुक चेंज किया हुआ है। साइड में आप लोगों को स्कर्टिंग जो है इसमें कुछ भी लगी हुई देखने को नहीं मिलेगी। रियर में भी अगर आप बम्पर देखोगे, इन्होंने लिप विप सब कुछ ये लगा रखा है, ठीक है। लेकिन अब जो है एक लेवल अप करने की बारी है, जिसमें आप लोगों को हम लोग बॉडी किट के बारे में जो है और अच्छी तरीके से बताएंगे। जैसे इसमें रियर वाइपर नहीं है वो भी दिखाएंगे। अच्छा रियर वाइपर नहीं, इसमें क्या करने वाले हो? डिफॉगर डालोगे? वो इग्निस की तरह। और इसमें स्पॉइलर लगेगा, वो स्पॉइलर अभी हमारा प्लान हो रहा है, इसमें देख रहे हैं या तो बैटमैन लगाएंगे नहीं तो मॉन्स्टर लगाएंगे दो में। अच्छा एक चीज बताओ, जो किट आपके पास है फाइबर है एबीएस है? सर फाइबर भी आती है एबीएस भी आती है, एबीएस में भी दो क्वालिटी आती है, एक लो मतलब जिसे कहते हैं लो क्वालिटी हाई डेफिनेशन, तो आपको दिखा देते हैं जो हमारे लॉट आ रखा हाई डेफिनेशन प्रॉपर स्नफ फिट वाला आ रखा है। तो अपने वेयर हाउस में चले विद कार्बन है, विद कार्बन। अच्छा विद कार्बन वाला ऑप्शन भी आ गया। तो भाई एक बार चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या नई चीज लेके आ रहे हो, और अपनी गाड़ी का ये बम्पर भी खुलवाऊंगा इनका, और इसमें रख के भी दिखाऊंगा, लेकिन पेंट पेंट होके तो हमें डे टू में मिलेगी, ठीक है। तो लेट्स गो। सो गाइज हम लोग जो है हमारे वेयर हाउस में आ चुके हैं, और वेयर हाउस में अभी जो है आप लोग स्टॉक देख सकते हो। इसने मेरे को कहा था कि भैया मेरे पास 150 करीब बॉडी किट पड़ी हुई है, अभी और भी है सर, जैसे अभी दूसरा स्टॉक ऐड है उसमें भी पड़ी है। तो भाई ये जो बॉडी किट है देखो, अभी एक खोल के मैंने पहले चेक कर लिया, ये पीस मैं यहाँ पर चेक कर रहा था कि मैंने कहा क्या माल पानी है, तो अभी वो आप लगा हुआ है उधर खोलने में, तो ये दिखा दे तो एक बार, ये तो पकड़ के खा, ये पीछे का है भैया, ठीक है। ये रियर है, और जो मैंने कहा था आपको कार्बन फाइबर वाला मजा आपको आने वाला है, वो भी चीज मैं आपको चेक कराऊंगा। उसके बाद आपको पीछे जो है लाइट में दिखा देता हूं। अरे इधर फील आ रही है भाई, दिख रहा है इधर भी ना, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो भाई ओए 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 क्या लग रहा है भाई, कार्बन फाइबर का आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। आपके जेब में फोन है? निकालो एक बार, ये पूरा कार्बन फाइबर वाला फिनिश है, आप अगर पास से देखना चाहो इधर भी ले आओ, ठीक है भाई। इधर भी आप लोगों को पूरा कार्बन फाइबर, तो यानी अगर आपने पेंट करवाना है तो पेंट आपको इतने ही पार्ट में कराना होगा जो आपकी गाड़ी का कलर होगा, और आपका मजा जो है वो दुगना तिगना होने वाला है। एग्जॉस्ट जैसे भी कराना चाहो, जैसे जिसको कार्बन फाइबर नहीं भी पसंद तो उसको भी अभी चेंज करा सकते हैं वो आप, यहाँ ये आपकी पर्सनल चॉइस के ऊपर है, ये आप देख सकते हो। अभी आपको ऐसा अटपटा लग रहा होगा, अभी पूरी किट लगा के दिखाऊंगा गाड़ी में तब मजा आएगा। भैया दिखाओ ना यार, मेजर चीज तो दिखाओ, आओ भैया इसमें हाथ लगाओ। ओए होए भाई आप लोगों के लिए, इधर आओ इधर ले आओ इसको, आ जाओ आगे ले आओ, आपके लिए ऑफिशियली जो है स्विफ्ट की किट हम लोग लेके आ चुके हैं। अच्छा मेरी एक बात भी हो रही थी अभी, विजय और मैं भी बात कर रहे थे, विजय हम लोगों ने इससे पहले भी एक एबीएस की किट देखी थी याद है, जिसकी फिटिंग नहीं आ रही थी भाई, वो फिटिंग वाली जो उसमें थी है ना, उसमें दिक्कत थी ना साइड से, उनमें क्या दिक्कत थी मैं आपको बताता हूँ। जो इसमें साइड के ये बने होते हैं ना नक्के नुक्के की जगह, यहाँ पे फिटिंग नहीं होती, यहाँ से पूरी फिटिंग नहीं आ रही थी, गैप आ रहे थे, तो भाई उसकी वजह से दिक्कत थी। था वो भी एबीएस ये भी कार्बन फाइबर, एक बार दिखाओ भाई। ओए होए भाई सेक्सी लिप यार, अब लिप चेक करो इसका एक बारी, क्या नंबर वन में एक मजा आ रहा है, फिटमेंट की पूरी गारंटी है। ओए होए अभी आपको लगा के दिखाऊंगा ना, अभी हम जाएंगे भाई के घर पे, हम लोग गाड़ी जाके लगाएंगे क्योंकि आज हमारे पास रश यहाँ पर ज्यादा है। अच्छा इसकी ग्रिल व्रिल जो है वो कहाँ पर है? सब कुछ भैया इधर ही है, दिखा देते हैं अभी, इधर इधर पड़ा हुआ है सामान। तो इसमें जो है अपनी वाली कोई कस्टमाइज ग्रिल भी लग सकती है? कस्टमाइज नहीं चाहे तो भैया जो ग्रिल है वही पसंद आएगी लोगों को भी। अच्छा क्योंकि इसकी सूट वो देखो, मुंह से खोल रहा है वो, देखो भाई क्या करूं हैं क्या करूं, देख लो भाई आपके सामने लाइव चीजें जो है ओपन की जा रही है, बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप लोगों के लिए लॉट पड़ा हुआ है, जो भी ग्रैब करना चाहे कर सकते हो। अब मुझे नहीं पता वीडियो आते ही ये सोल्ड आउट हो जाए तो वो भी मैं नहीं कह सकता कुछ, लेकिन हाँ जब तक है कितने 150 है, ठीक
ठीक है भाई, खोलो एक पीस को। और ये भी कोई वो गंदी क्वालिटी वाला प्लास्टिक नहीं है, निकालो भाई। क्या बात कर रहा है, इसमें भी कार्बन फाइबर आ गया। ओ यार भाई साहब, चेक दिस आउट गाइस, आप लोगों के लिए यहाँ पे आपको लोगो लग जाएगा। ये लोगो अपने पास है या उनका ही लगेगा? जो वही बात है, जो उन्हें लाता है वही लगेगा जी। अगर हम उसको चाहे तो आप वो तो करा दोगे डिप पे, वो तो डीक्रोमिंग पेंट वेंट भी आप करवा दोगे? ठीक है भाई, आप लोग चेक करेंगे स्टॉक में गाड़ी कैसे लगती है। अब ये तो हो गया हमारे माल पानी के बारे में बात। अब पीछे जो उसमें हमने रियर दिखाया उसमें कुछ ड्यूल टिप भी आती है। हाँ, एक बार उसकी टिप्स भी दिखा दो भाई। सब कुछ है तो सब कुछ इन स्टॉक अवेलेबल है कार मोड के पास। आप में से कोई भी आ रहा है तो भाई मैं हर चीज आप लोगों को जो है पर्सनली इसलिए दिखाता हूँ कि जिससे आप एक बार दिखाओ पहले। लाइटें खोल के, फॉग लाइट है क्या? नहीं, रिफ्लेक्टर लाइट, रिफ्लेक्टर लाइट हुआ ना। हाँ। देखो भाई, और ये सब चीजें हम लोग केवल एक बार आपको रख के दिखाएंगे अभी, और उसके बाद पूरा फिट होने के बाद गाड़ी रख के चलाएंगे। टाइम लगता है वैसे, एक दिन फिटमेंट में लगता है, एक दिन क्या लगता है 3 से 4 घंटे लगता है अगर तरीके से फिटिंग कराओगे तो। हाँ। जल्दीबाजी वाला काम नहीं होता। और वो नहीं है चाइनीज पेज डलवा के लगवा लो, नहीं वो चाइनीज पेज होगा ना, प्रॉपर नट बोल्ट लगा के होते हैं जो उसके आते हैं वही। उनमें पेंट के लिए तो 2 से 3 दिन, पेंट से 2 से 3 दिन। हाँ भाई सही है, लेजिट है भाई, सही बात कर रहे हो। ठीक है, इसको हटाओ भाई। देखो भाई, स्पोर्ट्स वाला आप लोगों को ब्रांडिंग देखने को मिलेगा, और ये वर्केबल होती है लाइट्स। ये वर्किंग होगा, ठीक है, ये वर्किंग लाइट होगी। ये हो गई हमारी लाइट्स के बारे में बातचीत। आप हमें ड्यूल टिप्स भी दिखा दीजिए। अब आपकी पर्सनल चॉइस ये रहेगी, आप ये लगवाना चाहते हो, उसको ऑन करवाना चाहते हो, नहीं चाहते हो, आपके ऊपर। हाँ, वो लगवाना तो अच्छा लगेगा वैसे। ओए होए, ये देखो भाई, ठीक है, ये आपके टिप्स है, ऐसे करके फिट होगा, ऊपर इसके नट कस जाएंगे अंदर से। आपको केवल इतना क्रोम वाला पार्ट देखने को मिलेगा, कैसा लग रहा है जरूर बताना। नेक्स्ट स्टेप आप जो देखने वाले हो वो है भैया, वो जो शीशा की बात हो रही थी कुछ की, रियर डीफोकर, रियर डीफोकर शीशा भी दिखा देता हूं मैं, एक बार चेक करा दो। और इसको अब आप लोगों को मैं एक रफ आइडिया दिखा दूंगा लगने के बाद कैसा लगता है। उसका मिरर दिखाया था डीफोकर वाला, जब लग जाएगा आपको फिटिंग का। अभी हमने स्टॉक तो दिखा दिया, कुछ नहीं है आपको दिखाया गाड़ी में, तो नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो फिर सीधे लास्ट में दिखाते, वो दिखा देंगे, है ना। शीशा देखना, ठीक, चलो जेन्युइन पार्ट्स होंगे, डन है, तो देख लो आप एक बार देखना। सो गाइस, नेक्स्ट चीज जो हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं, जितने भी लोगों के पास स्विफ्ट कार है और उनको अपनी गाड़ी में रियर डिफॉगर लगाना है विथ ओरिजिनल शीशा, आपके रियर वाइपर विथ आप लोगों का पानी आने वाला, हाँ, डिफॉगर के बटन के साथ, वॉशर के साथ, सब चीजों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर अभी केवल आप लोगों को मैं ग्लास चेक करा रहा हूँ। ठीक है भाई, जेन्युइन है। और आप लोगों को हमने इग्निस में ये चीज दिखाई थी जो कि हमने सुपर सक्सेसफुल तरीके से आप लोगों की इनेबल करी है। ये आप लोग यहाँ से पढ़ लो, लिखा हुआ पूरा, आप ये चेक कर सकते हो, इसको कंपनी में ले जाके। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये देखो जल्दी फोकस लगाए, अब ये हम दिखाएंगे आपको फिट होने के बाद, वर्किंग होने के बाद। डन है भाई। सो गाइस, यहाँ पर जो है भाई एक और स्विफ्ट जो है वर्किंग कर रहे हैं, यहाँ पर एक डिजायर भी है, एक ग्रैंड विटारा की भी वर्किंग चल रही है। अब एक हेडलाइट जो अभी नई मार्केट में आप लोगों को देखने को मिलती है, ये नॉर्मली आप लोग की DRL जो है ऐसे वर्किंग है। इंडिकेटर ऑन करो, ठीक है, फ्लोटिंग इंडिकेटर है, लाइट ऑन करो। ठीक है, तो ये आपके फॉग लैंप ऑन हुए हैं, अभी हेड लैंप ऑन नहीं हुआ, या हो गया? हाँ, अब हो गया ऑन। ठीक है, और इसकी जो थ्रो है ना बहुत अच्छी है थ्रो, अपनी गाड़ी में दिखाएंगे लगा के। वो अपनी गाड़ी में दिखाएंगे, जैसे हम स्टॉक हेडलाइट जो लगाते हैं ना टॉप मॉडल के, हाँ, जो अपनी आती है मारुति सुजुकी वाली ब्रांड में, उससे तो काफी ज्यादा ब्राइट है। ठीक है, और मेन चीज में इसमें वारंटी मिलेगी आपको 1 ईयर की, 1 ईयर की वारंटी, 1 ईयर की वारंटी। ये कोई ब्रांड में नहीं है, हमारे अपने ब्रांड में। भैया मैं क्यों ब्रांड कहूँ, मेरे पास जो चीज है बढ़िया है, मेरा ट्रस्टेड है, मैं इसी का पूरा भरोसा है, मैं अपनी गाड़ी में भी इसीलिए लगा रहा हूँ। ये कम से कम हेडलाइट है अभी तक वीडियो में, तो वैसे मैं अपनी गाड़ी में पहले लगा रहा हूँ, बट वैसे मैं 10 हेडलाइटें भेज चुका हूँ। वेरी नाइस, ये लोगों को लगता है कि मेहनत नहीं करनी पड़ती है, देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं भाई। किट अभी पूरी लेके जा रहे हैं अपने घर पे, क्योंकि यहाँ पर आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, अपने घर पे लगा के दिखाएंगे। और ये हमारे पानी की बोतलें। सो गाइज, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो हमारा स्टॉक बम्पर है फ्रंट का, उसको ओपन कर रहे हैं। इसमें नटवट लगे होते हैं, आगे की तरफ भी इसमें फिटिंग होती है, ये हमने खोल ली है। तो ये इसका स्टॉक बम्पर है, जिसका लुक आप लोग अभी चेकआउट कर सकते हो, और इसको हम जब अपग्रेड कर देंगे तब आपके सामने आएगा। तो जैसा आप लोगों ने फ्रंट में वर्किंग होते हुए देखा, सेम रियर में भी आप लोगों का मड फ्लैप और ये सब चीज़ें जो है साइड से उतारा जाएगा। इसमें पीछे एक लाइनिंग होती है, और वहाँ से आपका जो बम्पर है बहुत ईजिली बाहर निकल जाएगा। ये वाले हम लोगों ने नट खोल दिए, और ये बहुत ईजी प्रोसेस है जिसको आप लोग ईजिली वर्किंग करा सकते हो। सो गाइज, फाइनली हम लोगों का जो बम्पर है वो ऑलमोस्ट हट चुका है, हट गया। एक सेंसर की वायरिंग निकल रही है, एक सेंसर की वायरिंग रह गई है,
और जो कंपनी वाला आता है जो ये ABS वाला, इसमें सेंसर की वो नहीं आती नहीं, है नहीं, इसमें स्लॉट्स बनाने पड़ते हैं, इसमें स्लॉट बनाने पड़ते हैं, उसका तो टूल होता है, टूल होते हैं वो ड्रिल मशीन में टूल घुस के आपका स्लॉट बन जाते हैं, वो तो इजी होता है, इतना कोई मुश्किल चीज नहीं। अभी आपको लगा के बम्पर ही दिखाएंगे कैसा दिखता है। आप लोग चाहो तो ऐसे भी अपनी गाड़ी चला सकते हो, ठीक है, ऐसे अलाउड नहीं है भैया, ऐसे लगा के अलाउड नहीं है, लेकिन अब हमारा रियर बम्पर आ रहा है और मैं आप लोगों को कार्बन फाइबर वाली फिनिश भी उसमें जैसे मैंने दिखाया था अभी आपको दिखाऊंगा, और इसकी फिट एंड फिनिश मेन चीज़ हमने देखनी है। तो भैया इसके ना आप मेन चीज़ जो है कॉर्नर वाली बिठा बिठा के दिखाओ, है ना, अभी सैंपल देख लो, हाँ मेन चीज़ नहीं, हमने पहले ये दिखाना ना कि ये कितना, रुकना इसके इधर सामान लगा होगा ना भैया, ठीक है, ये नीचे चले जाएगा, ये भी नीचे चले जाएगा, बस आप बैठा के दिखा दो इसको, आपको तार भी अंदर करनी पड़ेगी थोड़ी ना, वो भी आपको बस दिखा रहे हैं, ठीक है, अभी बस साइड के एक दो नट लगा के आप अगर दिखा सको, वो देखो भाई अभी वो बैठाएंगे, भैया बैठाएंगे, वो देखो वहाँ पर वो टक टक आवाज आ गई होगी आप लोगों को, देखो भाई, ठीक है, ये पूरा स्नग फिट आएगा आप लोगों का, देखते जाओ, देयर यू गो, ये सारे हमारे लॉक्स लग गए, ठीक है, ये लीजिए, ये मैंने आपको मेन चीज़ दिखानी थी, आपका साइड से बम्पर पूरा 0-0 बंद है, कोई गैप भी नहीं है इसमें, और यहाँ से अगर आप लोग देखते हो, यहाँ से भी भैया इसको बैठा रहे हैं पूरा, और यहाँ पर भी ये 0-0 बैठेगा जो इसके नक के बने हुए उसी में, ये बैठा लॉक इधर से, और ये तो ये आपका 0-0 हो चुका है, और आप यहाँ से अब देख पाओगे, ठीक है, तो ये आप लोगों का जो रियर बम्पर है उसकी प्लेसमेंट पूरी तरीके से कम्प्लीटली यहाँ पर हो चुकी है, रियर बम्पर आप लोगों का कुछ ऐसा देखने को आप लोगों को मिलने वाला है। अच्छा इसके हम क्रोम वाले भी लेके आए होंगे ना, इसका क्रोम की टिप्स होगी पीछे, एक बार लाओ, हाँ इसका डिब्बा होगा ना एक, वो क्रोम टिप्स आप लोगों की यहाँ पर लगेगी। सो गाइज ये हमारा स्टॉक बम्पर था जो कि हमने हटा दिया है, हटने के बाद आप लोगों के सामने लुक कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो भैया वो एक बार पहले ग्रिल लगा दो इसके अंदर, दो नट जोड़ के अगर जुड़ जाती तो, है ना, अभी आपको रियर में भी दिखाऊंगा, वो दोनों अभी लगा रहे क्रोम वाला ना, तो ग्रिल दिखाते हैं इसके अंदर कैसे लग के आपको देखने को मिलेगी पहले तो, और ये भी लॉक के साथ ही फिट हो जाएगी पूरी, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जुगाड़ है कुछ है। देखो भाई ये भी आपका कार्बन फाइबर है, देयर यू गो, अंदर से लगेगी ना, तो गाइस देखो ये आप लोगों का रिफ्लेक्टर है, और अभी छोड़ेगा अगर भाई इसको तो ये निकल रहा है, ठीक है, पीछे इसका नटवट होता है पूरा परफेक्ट, एक बार हट जाओ, हाथ हटाओ, हाथ डालो, देखो भाई, ठीक है, ठीक है भाई, ये अंदर की तरफ से लगेगा, ये भी दिखा दो आप, ठीक है भाई। सो भाई स्क्रैच ना लगे इसके लिए हम लोग जो है अंदर जाके हमने वर्किंग करी है, पर अब आप लोग जो देख रहे हो अभी इसमें हम लोगों ने फ्रंट ग्रिल भी लगा दी है। अब मेन चीज़ जो मैंने आपको चेक करानी है कि इसका कॉर्नर कितना फाइन बैठता है, पहले देख लो ये ओरिजिनल टेल लाइट है, और हम तो अपनी टेल लाइट और अपग्रेड करेंगे करेंगे, ठीक है, हेडलाइट सॉरी टेल लाइट बोल दिया मैंने, सॉरी भाई। तो भैया पहले इसको लॉक में बैठाएंगे, आप यहाँ से फिनिशिंग देखना इसकी कितनी फाइन होती है, बाकी जितनी हेडलाइट रेडलाइट आउट होगी उसको भी ठीक कर देंगे, पहले यहाँ से बैठाओ भैया, देख लो भाई प्लग एंड प्ले, पूरा प्लग एंड प्ले हो जाएगा, देखो आगे खींच रहे भैया, ये बात भाई, प्लग एंड प्ले 0-0 भाई 0-0, यहाँ से भी देखो 0-0 पूरा 0-0, ये जो एडजस्टमेंट है ये थोड़ी बहुत हो जाएगी, वो सब भी प्रॉपर होगा, अभी हेडलाइट भी, मैं तो अब कह रहा हूँ ब्लैक रैप करा दे मैट, बढ़िया लग रही है, हैं एग्रेसिव लुक आ रहा है भाई, हाँ। सारी जगह वही जो लॉक्स लुक्स वाली चीज़ें होती है, वेरी नाइस, वो देखो भाई वहाँ से बैठा परफेक्ट, वेरी नाइस, ठीक है भाई। तो हमारा जो फ्रंट का लुक निकल के आया है वो आप लोगों के सामने है, कमेंट सेक्शन ओपन है, ज़रूर अपना ओपिनियन बताइएगा, फॉग लैम्प जो आपके अभी करंट होते हैं वही आप लोग लगा सकते हैं, बीच का लोगो वही लगेगा, ग्रिल आप लोगों की चेंज हो चुकी है, हेडलाइट में भी कुछ अलग दिखाएंगे, वो दिखा दिया मैंने, उसने दिखाया मेरे को जो हमारी अभी नई आई है ना क्वालिटी वाली, तो आप लोगों का कमेंट सेक्शन ओपन है। अब आप लोगों को हम सीधे मिलेंगे इसके पेंट मोड के बाद, सो कार मोड में मिलेंगे हम इसके पेंट मोड के बाद, इन 3-2-1 एंड ओके गाइस, तो आप लोगों का फाइनल डे में स्वागत है, जिस दिन हम आप लोगों को फाइनल आउटपुट जो है गाड़ी का चेकआउट कराने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों ने अभी तक की किट देखी थी हमारी लगी हुई जो विदाउट पेंटेड थी,
उसको हम लोगों ने पेंट करा लिया है इसमें, ठीक है, रॉ ब्लैक कलर जो आता था उसको हमने अपना लुक दे दिया है। सबसे पहली चीज जो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा वो है हेडलाइट। ये आपके पास ऑफिशियली अवेलेबल है कार मॉड के लिए, जो लाइट जो है ये अवेलेबल कराई गई है, और ये ब्रांड्स की आती है, लेकिन मैं ब्रांड का नाम लूंगा तो फिर नाम ऊंचा हो जाता है, फीका पकवान हो जाता है। हाँ, मेड इन चाइना ही है, लेकिन ये चीज आपको समझनी चाहिए। सबसे पहले इसको आप जला के दिखाइए कैसे लगता है। इसका ना वो टिप 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 करके जलता है ना, वो बड़ा बढ़िया लगता है। हाँ, स्कैन एक बार दिखाइए, ठीक है भाई, ये स्कैन होगा, ठीक है भाई। इसमें देखो आप लोगों को ये बड़ा जबरदस्त जो है टिप टिप वाला पूरा लुक देखने को मिलता है। ठीक है, वो डॉट्स जो आपके जल जाएंगे, ये ब्राइट कम हो जाएगी। ओके, ठीक है, इसके बाद हम इंडिकेटर देंगे, इंडिकेटर पे ये प्रोड्यूस, ठीक है, वो क्यों कर ये आई गेस इसलिए कर रहा है, कटअप मारा होगा ना, तब उसकी वजह से ये वैसे नॉर्मली आपका जो है चलेगा, ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज का, बंद कर दीजिए, ठीक है। अब आप डी आर एल जो है जला रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे अब ये बिल्कुल परफेक्ट जल रहे हैं, क्योंकि जो लेफ्ट वाला साइड होगा उसमें कोई तार या कुछ निकला हुआ होगा जिसकी वजह से दिक्कत आ रही थी। तो ये हेडलाइट ऑफिशियली अवेलेबल है कार मॉड में। इसका स्टॉक कितना पड़ा है हमारे पास ये बताओ? 100 पीस पड़ा है, तो आप अपना ऑफर जो है ग्रैब कर सकते हो। क्या रेट है इन हेडलाइट्स का? 18,500 रुपये में आप ये दे देंगे। अब इसके बाद जितने भी लोग स्विफ्ट स्पोर्ट की किट लेने आ रहे हैं, कितने रुपये की दे रहे हो? क्योंकि ये बहुत सारे लोग जो है इसका रेट भी नहीं कर सकता ओपन, इसका रेट आपको कॉल पे बताएंगे। चलो ठीक है, ऑन कैमरा बोलना सही है, अच्छा लगता है। अब आप लोग अगर गाड़ी के फ्रंट लुक के बारे में बात करते हो, सबसे पहले इसमें आप लोगों को कार्बन फाइबर लुक मिलता था, इसको इन्होंने ग्लॉसी कर दिया। जो मेन चीज बताया बॉडी किट, हमने इसको सिर्फ स्पोर्ट ही रखा है, ठीक है, एक इसमें डीआरएल वाला आता है ऑप्शन, ठीक है, बट क्या होता है ना उसकी जैसे डीआरएल खराब हो जाती है, ठीक है, फिर वो प्रॉब्लम एक जलता रहेगा एक बंद होगा वैसे हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए हमने डीआरएल नहीं लगाया, विदाउट डीआरएल लगाया। आप लगवाना चाहो तो लग सकता है, लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि डीआरएल में काफी ओवर हो जाता है, जैसे हेडलाइट में डीआरएल अच्छा लगता है, एक ही डीआरएल अच्छा लगता है। ये आपका जो हनी कॉम होता है इसको हम लोगों ने ग्लॉसी फिनिश कर दिया, लोगो जो है वो कार्बन फाइबर वाला आप लोगों का लुक दे दिया है, बाकी इसका कार्बन फाइबर है, ठीक है, इसका कार्बन फाइबर ही बॉडी किट है, ठीक है भाई। ये आपको मैंने कैमरे में भी दिखाया था, ये आई गेस आप लोगों को आइडिया वाइज समझ आ चुका है। ये आप लोगों की गाड़ी का फ्रंट लुक है, एंड अगेन अगर आप लोग यहाँ से देखते हैं दिस इज ऑल्सो स्नग फिट, फ्रंट से भी अगर आप देखते हैं दिस इज ऑल्सो स्नग फिट, साइड से भी देखते हैं स्नग फिट है, नंबर वन टॉप का अच्छा हुआ, ठीक है भाई। तो ये पेंट की भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन है, टाइम दोगे पेंट भी करा देंगे, पेंटर हमारे खुद का अपना है, पार्सल का किसको बांट चाहिए तो बिना पेंट के ही जाएगा। हाँ, पार्सल में तो ऑफ कोर्स ही बात रहती है। ये आप लोगों ने जो है किसका बलिनो का लगाया, किसका लगाया? ये बलिनो वाला है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फेंडरस्कोप कहते हैं, ठीक है, ये हमने लगाया कार्बन फाइबर, ये अपना कार्बन फाइबर है। अच्छा, ये किट है या फिर ये इसके ऊपर कराया क्या? हमने कराया, डिप कराया। अच्छा, डिप कराया, ये भी अंदर भी दिखाएंगे आपको, काफी सारा हमने किया, पूरा किया, ठीक है। ये आपने व्हाइट क्यों नहीं करवाया भाई, ये बताओ पहले? कार्बन फाइबर था भैया, कार्बन फाइबर है ये, ठीक है, तो हम इसको कार्बन फाइबर से हटा के फिर व्हाइट कराने का कोई फायदा नहीं और मजा भी नहीं आएगा, ठीक है, तो इसलिए आपने नहीं करा। नीचे की जो है ना इसकी कटिंग का मतलब ये हुआ कि नीचे की जो किट चल रही है ना पूरी कार्बन फाइबर की चल रही है, ठीक है, तो ये आपने जो है सेम रखा, ठीक है। डोर हैंडल जो है इसके कर दिए, साइड मिरर्स इसके हम लोगों ने रेडी कर दिए। इंडिया की पहली ऐसी गाड़ी जिसमें अगर आप लोग फॉग लैंप ऑन करते हो तो आपको नोटिफिकेशन आती है, देखने को मिल रहा है, तो ये आज तक किसी ने नहीं किया होगा, ये हम लोगों ने आप लोगों को करके दिया, ठीक है। ऑन कैमरा आप लोगों के सामने है, आप लोगों का रियर जहाँ पर दरवाजा ओपन होता है वो भी जगह हमें कार्बन फाइबर किया है, फिट एंड फिनिश बहुत जबरदस्त है, ठीक है। ये आप लोगों के सामने जो है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जैसा आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों को जरूर जो है हम लोग इसके अंदर बैटमैन वाला जो है स्पॉइलर दिखाएंगे, तो ये आप लोगों के सामने जो है बैटमैन वाला स्पॉइलर यहाँ पर इंस्टॉल किया है। इसको नट से लगाया हमने, अगर आप चाहो तो बीटा सील से भी लगा सकते हो, आप लोगों के पास दोनों तरीके की चॉइस है। इंडिया की पहली स्विफ्ट तो नहीं है, और उन्हें भी लगा दिया, पहले लगा हुआ बट इतना वर्किंग में नहीं लगा, ठीक है, डीप ओवर ऑन है, ठीक है, ऑटो वाइपर ऑन है, ठीक है, चेक कराओ भाई, बिना कैमरे के बोल के तो कुछ नहीं होगा, हम जब तक चेक नहीं कराएंगे। सबसे पहले आप जो है इसका वॉशर चेक कराइए, वाइपर तो सब लगा देते हैं, वाइपर इजीली लग जाएगा, ठीक है, मेन चीज डीप ओवर और इसका वॉशर है ना जो वो नहीं होता किसी से। अब ये देखो वॉशर दिखाओ, ऑन किया वाइपर और वॉशर ऑन किया, ठीक है भाई, ये दोनों आ गया, यहाँ से फंक्शन आपने क्या फंक्शन किया था दिखाओ, ये अपना ऑन किया हमने, ठीक है, वाइपर और वॉशर, ठीक है, तो ये आगे पीछे दोनों चलेंगे? नहीं नहीं सिर्फ पीछे पीछे का, पीछे का चलेगा, ठीक है, ये दूसरा हमने सिर्फ वाइपर ऑन कर दिया, ठीक है, साथ में अगर वॉशर करना है तो इसको ऊपर घुमाएंगे, ये वॉशर भी आ जाएगा, वेरी नाइस, और बड़ा अच्छा इवन पानी आ रहा है इसके अंदर में। मेन चीज आप देखो जाके ऑटो कटअप वहीं होगा जहाँ पे ये रुकेगा, अभी मैं इसको बंद करूंगा, देखना आप वहीं रुकेंगे, ठीक है भाई ने बंद कर दिया, ये रुक गया, वो तो
ठीक है, वैसे वो अपनी पोजीशन में ही बंद होगा हमेशा, जब पोजीशन में ही बंद होगा। यहाँ पे भी अगर स्टॉप करोगे तो जो टॉप कॉर्नर में, यहाँ पे स्टॉप करोगे, यहाँ पे आगे तो रियर डी फॉगर कैसे चेक कराओगे? ऑन कैमरा आप लोगों के सामने बोल दिया, तो अगर आपका मतलब यही होगा कि जब फॉग होगा तभी ये क्लियर करेंगे, फॉग करने या बाहर से पानी भरेंगे तो थोड़ी होगा क्लियर। ठीक है, तो स्पोर्ट्स किट जो आपने फ्रंट में देखी थी रियर में भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। आपका जो है ये आपका पेंटो रखा है, ये आपका रॉ लुक में आता है, और ये आपका हाइड्रोडिप, ये हमने क्रोम आता है, इसको हमने हाइड्रोडिप कर दिया। तो ये आप लोगों के सामने है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा गाड़ी देखना है। ठीक है, मर्सिडीज चाहिए वही मिल जाएगी, स्कैनिंग वाले मीनी कूपर चाहिए वही मिल जाएगी, सारे स्टॉक में। हाँ, सारे स्टॉक तो वो तो हम लोग भाई वैसे भी किंग है भाई उस चीज में ना। अब मैं आप लोगों को इनका थोड़ा सा अंदर से बता देता हूँ, ये है बेस मॉडल भी, ये एलएक्स मॉडल है। ठीक है, और इसको हम लोगों ने जो बनाया हुआ है वो तो भाई साहब चेक दिस आउट गाइस, पूरा कार्बन फाइबर आप लोगों का, स्टेयरिंग का लुक, आप लोगों का इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर पूरा का पूरा कार्बन फाइबर के लुक में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये आप लोगों के AMG टाइप AC वेंट्स लाइट्स अंदर इंस्टॉल की गई है, ये वेंट्स लगाए गए हैं, और हवा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, हवा फुल पावर आ रही है, आप लोगों को सुनाई भी दे रही होगी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है इसमें। मैं वही चीज देख रहा हूँ भाई, क्या जबरदस्त लग रहा है देखने में। इन्होंने जो है शौकीन है ये, तो इन्होंने जो है इसके अंदर पाइनियर की यूनिट लगाई है, इसमें भी पूरा कार्बन फाइबर दिया है, नीचे भी अगर आप देखते हो पूरा कार्बन फाइबर का फिनिश मिलेगा। आमरेस जो है वो लकड़ वाला लगा रखा है, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं आया क्या? टॉप मॉडल में भी नहीं आता सर इसमें, तो ये ऑप्शन इसका आता मारुति वाला ओरिजिनल जो फोल्डेबल होता है। ठीक है, वो अभी है ना स्टॉक में, बट वो आता है आने वाले टाइम पे दिखाएंगे। ये अपनी वैनिटी कब लगाओगे? इसमें भी लगा सकते हो? अच्छा, लगा देंगे, ठीक है, वैनिटी लग सकती है इसके अंदर। तो भाई ये वर्किंग विंडो जो आता है, ठीक है, इसमें इसमें भी हम लोगों ने कार्बन फाइबर किया, ये देखो फोल्डेबल बंद हो गया, खुल गया, क्रोम हैंडल चेंज किया इसका, ट्यूटर से स्टॉप मॉडल वाले जो अपने, वेरी नाइस। तो ये चीज होती है, पावर विंडो लगवाते हैं तो पावर विंडो आपको 14,000 रेंज में पावर विंडो आपको पड़ जाता है, वेरी नाइस भाई। तो क्या कहते हो स्विफ्ट के बारे में जरूर बताना, काम वर्किंग सारी की सारी हमारी कार मॉड की टीम ने करी है, और कार मॉड जो है वो स्टोर है एक, जो की मॉडिफिकेशन के लिए स्टोर है, सिचुएटेड है रानी बाग के अंदर। हमारा काम ही यही है, आप देखोगे तो मतलब मैं करोल बाग से हूँ, तो बेस टू टॉप करने का काम से ही जानते हैं वैसे लोग। तो ये है कि बेस टू टॉप अगर कोई भी आप मारुति गाड़ी लाते हो तो कम बजट के अंदर अच्छी गाड़ी चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज बताओ, इसमें रियर डिफॉगर ऑन कैसे होता है भाई? रियर डिफॉगर के लिए स्विच है इसमें, दिखाओ कहाँ पर है स्विच? यहाँ पे आपने लगाया है कैसे? नहीं नहीं, यहाँ पे नीचे है, तो उसमें लाइट जलती है क्या? जलती है? नहीं नहीं, वैसे ही ऑन ऑफ कर सकते हो, ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर एक लाइट भी लगाई है, एक हमने लाइट लगाई है ऊपर, देखो आप फ्रंट में। अच्छा, ओ नाइस, हमर लाइट्स का है, बीच लुक आएगा अभी सामने। ठीक है, इसको हमर लाइट्स बोला जाता है जैसा भाई ने आपको बताया। ठीक है भाई, तो ये आप लोग इसके लिए ऑप्ट कर सकते हो, आप लोगों का जैसा मन करे। काफ़ी अच्छी लग रही है भाई, देखने में भी काफ़ी ज़बरदस्त लुक आ रहा है फ्रंट से। तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग अपना ओपिनियन दीजिएगा, काम हुआ है कार मॉड के अंदर, वर्किंग जो है आप लोग सारी की सारी करा सकते हैं। कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताना, कार मॉड के अंदर आप लोग आ जाओ वर्किंग करा लो। लाइट रिस्पॉन्स तो हमने दिखा रखा है, बहुत सारी वीडियो तो बहुत बेहतरीन है भैया, बहुत ज़बरदस्त है, तो उसके ऊपर एक वीडियो लाते हैं ना भाई, हमारे पास जो ज़बरदस्त प्रोडक्ट है वो दिखाते हैं ना एक बार, जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं अभी तक लगाते हैं, तो अब नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी अब वो दिखाते हैं पूरा लाइटिंग सेटअप, और मेरी i20 तैयार कर दो ना भाई, i20 के लिए वही आपका सेटअप करेंगे जो पूरा, मतलब मेरे को भाई देख, मेरे को चाहिए LED, मेरे को HID नहीं लगानी, LED में कुछ बना के दो। जो हमने वीडियो दिखाई है सारी LED के अंदर दिखाई है। ठीक है, लेकिन मेरी अभी तक थार, मेरे को तेरे को याद होगा मैंने i20 में नीचे HID डाल रखी, तूने डाली थी, लेकिन कई बार ना उसमें मैंने तेरे को बताया था ना यार, वो कहीं पर कूदती तो फ्लक्चुएशन की दिक्कत आ रही थी, वो तो मैंने बताया भी था कि रिले लगाना पड़ता है, कुछ वो चीज पड़ता है, LED के ऊपर बनाते हैं। ठीक है, तो मेरी i20 में आपको अपग्रेड करके दिखाएंगे, लाइव टेस्टिंग दिखाएंगे, रात में चला के दिखाएंगे कैसा आपको रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, कैसी लगी आज की वीडियो जरूर बताना भाई, बहुत जबरदस्त भाई, पोलो का तो जो बंदा आ रहा है वो फैन हो जा रहा है, मतलब मजेदार, मतलब पूरी सब चीजें वर्किंग चल रही है, बहुत जबरदस्त है, और मेरे को टचवुड जो अभी तक का रिस्पांस है तो भाई एक नंबर का है, और आगे भी बढ़ा आएगा। तो भाई आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं, वीडियो आप लोग पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो मुसाफिर 18 लिख के, फेसबुक में फॉलो कर सकते हो मुसाफिर कास्ट। आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड एक बार बाय बाय कर दो, बाय बाय।